बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हमने फिज़िक्स का, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट पढ़ना है। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है वो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 12 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम जो बेसिक टर्म्स सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर के मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो क्या क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एट द एंड कूलम्स लॉ हम पढ़ेंगे, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। किस टाइप के चार्जेस, वो मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को एट रेस्ट। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी डील द चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर ही होंगे, लेकिन उनकी कोई भी उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ किसके ज़ेरे असर होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद आता है आपके पास चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इन नेचर देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन किस टाइप का पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बेसिक दो तरह के चार्जेस हमने पढ़े, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की क्या एग्जांपल लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज की क्या एग्जाम्पल होगी, प्रोटोन। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है? ये एक ऐसी फोर्स है जो कि चार्जेस को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाने में, एक जगह पे बाइंड करके रखने में हमें मदद देती है। ठीक है, अब चार्जेस मिलकर ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि चार्जेस को आपस में कंबाइन करने के बाद किस फॉर्म में हमें देती है, एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ क्या है? बेसिक लॉ है, इसमें आएंगे बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीज़ें आती हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब कि दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर दोनों चार्जेस हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर का मतलब है कि जब इन दोनों को करीब लाया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल बैक करेंगे, मतलब एक दूसरे से अवे मूव करवाएंगे। उसके बाद बात आती है अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस, एक चार्ज नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को जब एक दूसरे के करीब लाया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि इनके बीच में कशिश की फोर्स होगी, वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे लिख लो, रिपेल ईच अदर और ये वाले अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो गई बेसिक टर्म्स जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। अब आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड ईयर की बुक के अंदर टेंथ वाला तो है ही, लेकिन साथ में इसकी मज़ीद डिटेल भी है, मतलब कि इसमें वेक्टर फॉर्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और मीडियम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ।
चार्ल्स कूलम एक फिजिस्ट था जिसने 1784 में कूलम्स लॉ के बारे में हमें डिटेल्स दी। इसने क्या किया कि दो तरह के चार्जेस लिए और उनका आपस में इंटरेक्शन देखा। दो तरह के चार्जेस किस तरह से के लाइक चार्जेस का भी इंटरेक्शन देखा और अनलाइक चार्जेस का भी इंटरेक्शन देखा। ठीक है, इसने चार्जेस की क्वांटिटेटिव नेचर को एनालाइज किया और उसके बारे में सर्च करके एट द एंड हमें एक कंप्लीट लॉ दिया जिसको हम कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम के बारे में बताती हूँ कि जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फर्स्ट चार्ज का नाम हम रख देते हैं Q1 और सेकंड चार्ज का नाम आता है Q2। ठीक है, अब इन चार्जेस के बिल्कुल सेंटर से हमने लेना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमेशा किस चीज़ के साथ शो किया जाता है, स्मॉल r के साथ। ठीक है, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। अब हमने ये देखना है कि Q1 के ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, जब हम चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बाइंड है, वो उनको बाइंड करके रखती है और फर्दर हमें देती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह को किस तरह से जोड़ के रखने से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये दो तरह के चार्जेस हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको मैंने पहले बताया पॉजिटिव चार्जेस, दो तरह के जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो उनके बीच में किस किस्म की फोर्स जो है वो पाई जाती है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाएगी। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू लाइक चार्जेस, क्योंकि ये सेम है इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल बैक। ये वाली कौन सी फोर्स होगी, F12, जो कि चार्ज वन के ऊपर लग रही है, किसकी वजह से, चार्ज टू की वजह से। और इस तरफ जो फोर्स है वो क्या होगी, F21 का मतलब के चार्ज टू पर लग रही है, किसकी वजह से, चार्ज वन की वजह से। ठीक है, ये F12 और F21 हो गई, ये लाइक चार्जेस की डायग्राम है आपके पास। अब हम बनाते हैं अनलाइक चार्जेस की। ये वाला चार्ज है नेगेटिव और ये वाला चार्ज है पॉजिटिव। अगेन बीच से वैसे ही डिस्टेंस r, Q1 है ये और ये है Q2। अब देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस के बीच में किस तरह की फोर्स जो है वो होगी। तो अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इधर से इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ये वाली फोर्स हो गई F12 और ये वाली हो गई F21। पहली डायग्राम फोर्स ऑफ रिपल्शन और सेकंड डायग्राम हमें बता रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों तरह की फोर्सेस का इन्फ्लुएंस भी आपने देख लिया कि इस वाली को F12 क्यों बोलना है और उस वाली को F21 क्यों बोलना है। वन पहले आएगा क्योंकि वन के ऊपर लग रही है, किसकी वजह से, टू की वजह से। और इस तरफ टू पहले आएगा, चार्ज टू के ऊपर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, चार्ज वन की वजह से। ये हो गया। अब हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट है, इट इज़ द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional, it is the force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगी तो आपको इसका व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं। क्या है उसकी पहली लाइन, के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दो चार्जेज हैं आपके पास, Q1 और Q2, बीच में उनके डिस्टेंस कितना है r, तो उसके डिस्टेंस r के स्क्वायर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म बनती है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये यहाँ पे कंबाइन हो गई। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग से आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो लाजमी बात है वहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है और इसकी सारे टर्म्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 1/4πε0। 4 भी आपको पता है कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अब एक न्यू टर्म आपके पास आई है ε0। ε0 क्या चीज़ है? ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस है हमारे पास, Q1 और Q2। दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? फ्री स्पेस। तो ε0 क्या चीज़ है हमारे पास? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 की वैल्यू क्या कहते हैं ε0 को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और लाजमी बात है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी कैलकुलेटेड है, वो क्या है? ε0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10^-12 पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर और कूलम स्क्वायर, ये है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। अब हम इसकी ε0 की मैथमेटिकल वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे? इस k वाली वैल्यू में। k इज इक्वल टू 1/4πε0 लगा के हम इसकी कंप्लीट वैल्यू k की निकाल लेंगे। k इज इक्वल टू 1/4π की जगह पर उसकी वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10^-12। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास? 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एक कंप्लीट वैल्यू आ गई है आपके पास K की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू 9 × 10^9, ठीक है। ये K की पूरी वैल्यू आ गई और उसके आगे Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपके पास इसकी वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हमने पहले तो क्वांटिटेटिवली उसको डील किया, लेकिन अब हम किस तरह से कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे? इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? एक फोर्स है जो कि चार्जेस को कंबाइन करके रखती है। तो कूलम फोर्स, कूलम फोर्स कौन सी है कि जो उसने कूलम्स ने अपनी फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर्ट्स के। तो कूलम फोर्स आपकी क्या है? म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब होता है? बाहमी के मतलब दो चार्जेस के दरमियानी फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है कि अगर क्यू वन चार्ज जितनी फोर्स Q2 पर लगा रहा है उतनी फोर्स Q2 चार्ज Q1 के ऊपर भी लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अब कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। अब हमने इसकी इस तरह से डायग्राम बनानी है कि ताकि Q1 Q2 की डायरेक्शन का हमें पता चले कि Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी वेक्टोरिकल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक चार्ज है आपके पास Q1, दूसरा Q2। तो Q1 की तरफ से Q2 की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? Q2 के ऊपर लग रही है, लेकिन किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? F21। तो इस डायरेक्शन में लाजमी बात है कोई यूनिट वेक्टर भी होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब भी हम डायरेक्शंस की या वेक्टर्स की बात करते हैं तो वहीं पर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी खुद की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स F12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? फोर्स F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा? R21, जो कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। R21 इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। ये वाली एक डायग्राम होगी। और दूसरी डायग्राम, ये Q2 की वजह से फोर्स किसके ऊपर लग रही है? Q1 के ऊपर। इस फोर्स का नाम क्या होगा? F12। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12, ठीक है। अब आपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को देख लिया। अब यूनिट वेक्टर्स किस तरह से यहाँ पे हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल सेम। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट,
लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, R21 इज इक्वल टू R12, मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक पॉजिटिव का होगा, दूसरा नेगेटिव का होगा, लेकिन उनमें मैग्नीट्यूड का कोई भी फर्क नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि फोर्सेस F12 और F21 ये किस तरह से लिखी जाएंगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2, ठीक है। और R यूनिट वेक्टर क्या आएगा, F12 है तो यूनिट वेक्टर भी R12 ही आएगा। और दूसरा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2 और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को लिख लिया। अब इन्हीं फोर्सेस को हम देखेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में। ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो जाहिर है जब यूनिट वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो लाजमी बात है फोर्सेस भी इसी तरह से होंगी। फोर्सेस किस तरह से, F21 इज इक्वल टू F12 बट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब इस टर्म में हम इन दोनों फोर्सेस को लिखेंगे, F12 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2 और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, -R12। 1-2 को हमने माइनस में रखा है क्योंकि वो 2-1 से ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पर F21 है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2 और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि F21 जो है वो पॉजिटिव फोर्स है आपके पास। अब एट द एंड आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो इससे, इस फोर्सेस को देख, इन दोनों फोर्सेस को देखकर, कि ये हमें उससे रिजेम्बलेंस देती लग रही है न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ से अकॉर्डेंस रख रही हैं, ठीक है। अब लास्ट पर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि अगर दो तरह के चार्जेस हैं Q1 और Q2, अभी फिल वक्त तो हम इनके बीच में क्या देख रहे हैं, फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस ख़त्म करके हम इनके बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो तब हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी किस तरह से हो जाती है। तो आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, व्हेन देयर इज़ मीडियम एंड व्हेन देयर इज़ फ्री स्पेस बिटवीन देम, दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लास्ट हमारा पॉइंट के इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब हमने देखना है कि दो चार्जेस हैं उनके बीच में हमने क्या रखना है, कोई भी मीडियम, ठीक है। पहले हमारे पास फ्री स्पेस थी, अब हम अनदर मीडियम रख रहे हैं, वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, ग्लास हो सकता है, कोई भी चीज़। जब हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम रख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। मीडियम प्लेस करने का मतलब है कि हम वहाँ पर रख रहे हैं, उसको बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक। तो Q1 और Q2 के बीच में डाइइलेक्ट्रिक आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास कैसी होगी। पहले आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक वैल्यू थी, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स क्या आ जाएगी, पहले वाली फोर्स से बहुत कम। कितना फैक्टर कम हो जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ मीडियम बिटवीन द चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। कितना फैक्टर रिड्यूस हो जाएगी, एप्सिलॉन आर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगी। फोर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, इतनी फोर्स जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। अब हम लिखते हैं फोर्स की वैल्यू, के फोर्स जो है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले फोर्स को आप लोग लिखते थे सिंपल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ F के साथ F प्राइम लगाएंगे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये वाली जो फोर्स है ये उस वक्त की है जब दोनों चार्जेस के बीच में डाइइलेक्ट्रिक था,
तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4πε0, ये वही वाला। और साथ डाइइलेक्ट्रिक डालने से फोर्स कितनी रिड्यूस हो गई है, एप्सिलॉन आर फैक्टर रिड्यूस हो गई है। फिर उसके बाद आ जाएंगे वही वाले चार्जेस Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और साथ में आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से आप वो वाला फैक्टर निकाल लो जो कि पहले वाला है, जो कि सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के अंदर भी था। कितना था, 1/εr फैक्टर आपके पास क्या है, डिफरेंट, बाकी सारा अंदर वाला वही फैक्टर है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और R यूनिट फैक्टर। ठीक है, ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्यों है, और अंदर वाला फैक्टर ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सिंपल फोर्स F के बराबर 1/εr इंटू F। तो अब F प्राइम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और वो रिड्यूस कितना फैक्टर कर रही है, एप्सिलॉन आर फैक्टर रिड्यूस कर रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने डिडक्ट करनी हो, एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर F प्राइम। तो एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्ज। और एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के बीच में अगर रेशियो ली जाए तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन आर हैज़ नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद लास्ट पर आती है आपकी वैल्यू, अगर आप लोग देखना चाहो कि F फोर्स किसके बराबर है, फोर्स F, इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू F प्राइम इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फोर्स F जो है वो ग्रेटर देन है F प्राइम। तो यहाँ से हमें प्रूफ मिल जाता है कि वो वाली फोर्स जब उसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक था वो लेस देन है उस फोर्स से जब दोनों चार्जेस के बीच में किसी किस्म का मीडियम नहीं था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।